हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज के वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, डबल फ्रिल अम्ब्रेला स्लीव्स। अब ये फ्रिल वाला भी है, अम्ब्रेला भी है, किस तरीके से इस स्लीव को डिज़ाइन करेंगे इसके लिए हम ले रहे हैं एक नेट का कपड़ा। ये सुपर नेट कपड़े से हम इसको बनाएंगे और लंबाई इसकी 5 इंच की है और आस्तीन गोलाई 7 इंच की है। किस तरीके से ये बनेगा, डबल लेयर बनेगा, तो चलिए देखते हैं। तो ये नेट का कपड़ा हम एक लेंगे, ये डबल फोल्ड है। इस चीज़ को आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे क्योंकि कपड़ा बिछाना और कटिंग करना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक होगा आज का, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए और पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करना। और ये जो आपका डबल फोल्ड कपड़ा है, ये इस तरह से 4 फोल्ड में बिछेगा। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है। इसमें ध्यान देंगे बंद वाली साइड उधर है, हमारी साइड ओपन साइड है, ये देखिए। तब हम इसको क्या किए, ये इस तरह से उरेब बिछाना है, इसी को उरेब बोलते हैं हम। और जब भी हम अम्ब्रेला स्लीव्स वगैरह बनाते हैं, ये उरेब बिछाना बेटर होता है। उरेब बिछाने के बाद जितना हमें ज़रूरत है उतना कपड़ा निकाल लेंगे। तो ये यहाँ से कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम इसके साइज़ वगैरह की बात करेंगे, तो ये देखिए, ये पहले बराबर अच्छे से बिछा ले, जमा ले, उसके बाद ये यहाँ से काट देना है। तो ये दो अलग अलग आस्तीन हो गए। अब देखना, इसको हम अलग रख देते हैं। अब चूंकि ये डबल लेयर आस्तीन है तो एक साइज़ हमें और चाहिए, एक बार और कपड़ा काटना पड़ेगा। तो ये इस तरह से रखें, फिर इस प्रकार से मोड़ेंगे, उसे थोड़ा सा छोटा, ये आप देख लेना, जितना आप काटे उससे थोड़ा सा छोटा काटेंगे, ये ऐसा। ये इधर से भी काटना पड़ेगा। तो ये दोनों कटिंग करने के बाद अब इन दोनों नेट से हमें स्लीव को डिज़ाइन करना है। तो ये छोटा वाला पीस पहले लेते हैं, इस तरह से उरेब रख करके एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये देखा आप लोगों ने, उसी तरह से इसको भी करेंगे। ये हो गया उरेब, और उसके बाद एक बार और फोल्ड, कहाँ से, यहाँ से ऐसे। अब फिर एक के ऊपर एक इसको इस तरह से रखना है, ये देखिए। तो ये फिर लेयर में आएगा। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ये एक निशान लगाएंगे, ये होगा हमारा 5.5 इंच का। अब 5.5 इंच का निशान क्यों, 5 इंच की आस्तीन लंबाई है और 1/2 इंच हम इसमें मार्जिन लेते हैं, ठीक है। तो 5.5 का ये निशान हो गया। उसके बाद एक और निशान, ये यहाँ पर देखना, ये भी 5.5 का। अब इन दोनों निशानों को स्केल से मिला लेना है। एक के ऊपर एक हमने रखा है और जो बड़ा वाला कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग नाप ले रहे हैं। छोटा जो है फ्रिल के रूप में आएगा। इसके बाद तभी यहाँ पर देखना, चुन्नट के लिए हम कुछ जगह छोड़ेंगे। ये जगह हम यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा रहे हैं, ये इस तरह से। अब इसमें हमारा पूरा चुन्नट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आती है बात आस्तीन गोलाई की। तो ये 7 इंच की गोलाई है, 7 इंच का निशान, ये ऐसे। और उसके बाद देखना, गोलाई 7 इंच की है तो जाहिर सी बात है आर्म होल लगभग 8 इंच पे बैठेगा। तो इसके लिए हम एक निशान लेंगे, ये यहाँ पर, और ये 8 इंच का निशान, ठीक है। ये 2.5 इंच की दूरी पर लेते हैं हम। ये चीज़ मैंने पहले भी बताया हुआ है तो आज इतना डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम 3.5 इंच पर लेंगे, ये अम्ब्रेला स्लीव्स हैं, ये 3.5 इंच पर इस तरह से सीधा निशान, 2.5 इंच पे जो लेते हैं वो 3.5 करना है। अब जितने हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो दिलीप टेलर्स एंड बुटीक चैनल से आकर के देख रहे हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो नए हैं वो आस्तीन कटिंग की एक डिटेल वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अभी यहाँ पर आस्तीन का शेप देना है, तो ये इस प्रकार से शेप आएगा। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो ये दोनों पीस एक साथ काटने हैं। पिन वगैरह करने की ज़रूरत हो तो पिन कर सकते हो ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो, और फिर ये ऐसे काट देंगे। इधर कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो उसको भी काट करके निकाल देते हैं। ये हो गया। अभी बात आती है सेंटर की। तो दोनों कपड़ों पर सेंटर का कट लगाएंगे। और अब चलिए चलते हैं मशीन पर, देखते हैं इसको किस तरह से जमाना है, कैसे सिलाई करनी है।
तो अभी यहाँ पर देखना, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ये जो है किनारे किनारे सिलाई लगाना होगा। हमने डबल फोल्ड तो किया हुआ है, लेकिन इसमें अभी क्या करेंगे, मोड़ करके ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे किनारे। ये काम आपको चारों पीस में करना है। यहाँ पे देखना, ये इस तरह से एक छोटा पीस और एक बड़ा पीस रखना है। छोटा पीस आपका ऊपर आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें चुन्नट के लिए, चुन्नट आपके कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे, तो ये इस तरह से निशान 4 इंच का हो गया, कट लगा लेंगे। ये कम चुन्नट वाला बता रहा हूँ मैं, अगर आपको ज़्यादा चुन्नट चाहिए तो ये जो निशान हमने 2 इंच का लगाया वो 3 इंच का भी लगा सकते हैं, पूरा अगर चुन्नट चाहिए तो। यहाँ पर भी इस तरह से रखेंगे, इसमें भी वही काम करना है, ये निशान हमें लगा लेने हैं, ये ऐसे कट लगा लेना। अब क्या करेंगे, इसमें चुन्नटें डालेंगे, तो चुन्नट आप बड़ी भी डाल सकते हो, छोटी भी डाल सकते हो। ये कैसे डालेंगे, ये देखिए, ये इस तरह से छोटे छोटे चुन्नटें हैं। बड़ा लगाना है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा चुन्नट भी डाल सकते हैं, और ये मैं बिल्कुल कम चुन्नटें वाला बता रहा हूँ। इसी तरह से सभी में चुन्नटें लगाएंगे, छोटे पीस में भी लगाएंगे, बड़े पीस में भी लगाएंगे। उसके बाद देखना, ये इस प्रकार से रख करके इसको ज्वाइंट करेंगे। ये एक सेंटर का कट फिटिंग करने के लिए। अब फिर से इनमें चुन्नटें लगाते हैं और इसको भी फिट करते हैं। तो अब इसको फिट करते हैं एक ब्लाउज़ के ऊपर में, और इसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फिट करना है जैसे हम बाकी स्लीव्स को फिट करते हैं। तो चलिए एक देख लेते हैं फिट करने के लिए, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ किस तरह से ये दिखेगा। तो ये है एक ब्लाउज़, इस पर हम इसको करते हैं फिट, सेंटर मिला करके ही फिट करना है जैसे हम सभी स्लीव्स को करते हैं। और ये इस तरह से रखें और करते हैं अब इसमें सिलाई। इसी तरह से दूसरे साइड का भी आस्तीन हमें फिट करना है, और उसके बाद कर लेनी है ब्लाउज की साइड फिटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका फाइनल लुक, इसको हमने एक कॉलर वाले ब्लाउज में फिट किया है, ये इस प्रकार से आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, डेमो पर इसका लुक कुछ इस प्रकार से आएगा। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये एक कॉलर ब्लाउज में हमने फिट किया है, और इसमें अगर आपको चुन्नटें ज़्यादा चाहिए तो जैसा कि मैंने बताया कि जो 2 इंच का जगह हमने छोड़ा है उसके लिए आप 5 इंच का जगह छोड़ोगे तो इसमें चुन्नटें और ज़्यादा आएंगी। वो स्पेशली बेबी ड्रेसेस में ज़्यादा होते हैं, बेबी फ्रॉक या बेबी सूट्स जितने भी आते हैं उसमें ज़्यादा चुन्नटें होती है, ब्लाउज में कम होता है। अगर आपको फिर भी ब्लाउज या सूट के लिए बनाना है ज़्यादा चुन्नटें वाली,
तो आप उसमें 5 इंच का जगह छोड़ोगे, ज़्यादा चुन्नटें आएंगी तो और भी अच्छा लुक आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।